फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल पकवान। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल की खीर। डेजर्ट में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है खीर। इसको बनाना बहुत इजी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम चावल की खीर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, राइस एक मुट्ठी, मिल्क मैं 1 लीटर ले रही हूँ, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो, शुगर 3 स्पून, बादाम बारीक कटा हुआ, किशमिश, काजू, पिस्ता और 1 पिंच केसर। केसर से खीर का कलर थोड़ा डिफरेंट आता है। सबसे पहले हम मिल्क बॉईल कर लेंगे। मैं इसमें केसर अभी ही ऐड कर देती हूँ, सो दैट इसका कलर, केसर का कलर इसमें आ जाए। जब तक मिल्क बॉयल हो रहा है तब तक हम राइस को पानी में करीब 5 to 10 मिनट के लिए भिंगो लेंगे और मिल्क को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे सो दैट ये नीचे जल ना जाए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मिल्क ऑलरेडी उबल चुका है, अब इसमें हम राइस डाल देंगे। वन लीटर मिल्क के लिए एक मुट्ठी राइस इनफ होता है। राइस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। हम दूध को इसमें जलाते रहेंगे ताकि दूध जल के थोड़ा गाढ़ा हो जाए और राइस भी इस बीच में पक जाएगा। इसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारा राइस पका है या नहीं, और हमारा राइस पूरी तरह से पक चुका है। जब राइस पूरी तरह से पक जाएगा तब हम इसमें शुगर डाल देंगे। मैंने 1 लीटर मिल्क के लिए 4 स्पून शुगर लिया है। दूध में राइस डालने के बाद हम इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब राइस मिल्क से ऊपर आने लग गया है उबल के, तो इसका मतलब है कि राइस पूरी तरह से पक चुका है और शुगर भी अब इसमें मिल रहा है। खीर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि राइस, शुगर और ड्राई फ्रूट सारे एक साथ अच्छे से मिल जाए। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको हम कम से कम 5 मिनट और इसको रहने देंगे गैस पे, सो दैट ये थोड़ा और ज़्यादा थिक हो जाए। मुझे मीडियम थिक खीर पसंद है, इसलिए मैंने इसको इतना पकाया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि खीर ऑलमोस्ट अब रेडी है, तो
अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद कर देने के बाद हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारा खीर पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे हल्के से पिस्ते के साथ। ये रही हमारी थिक एंड गाढ़ी खीर, एकदम रेडी है ये खाने के लिए। अब आप इसे ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि ये आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पेशल पकवान को। थैंक यू।